नमस्कार प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते बेहतरीन होंगे। साथियों, बहुत सारे प्रशिक्षकों का नाम है, डीएलएड वाले प्रशिक्षकों का नाम है, सर टीजीटी पीजीटी के लिए हम तो एलिजिबल नहीं है। सर, शिक्षक भर्ती कब तक आएगी? देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए एक दोबारा इनके द्वारा हर एक जिले में, हर एक जिला के शिक्षा अधिकारियों से यह मापदंड मांगा गया कि बताइए आपके राज्य में कितने शिक्षक हैं और शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है। शिक्षक और छात्र का अनुपात बताइए, और शहरी जहाँ पे सरप्लस है शिक्षक, वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर इसका कदापि मतलब यह नहीं है कि शिक्षक के भर्ती निकालने की इन्होंने बात की है ना। इन्होंने सिर्फ यह हमें पता है कि भैया इन्होंने, इनका जो आंकड़ा था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि शिक्षक सरप्लस हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में, सॉरी, बहुत सारे स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा थी। तो बस उसको इक्वल बनाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए उनको बस ये चीज़ें नोटिस उनसे मांगी गई है। फिर से यह प्रमाण मांगा गया उनसे, बताइए आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं और शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है और दूसरे स्कूल में कितने हैं, तो उसको हम इक्वीवेलेंट करें, यहाँ के वहाँ के ट्रांसफ़र करा के इक्वल कर दिया जाए। और रही बात शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती आगामी 1.5 से 2 साल तक नहीं आने वाली है, जिस प्रकार से इनका आंकड़ा रहा है। जो बच्चे डीएलएड वाले बच्चे, इनका बैक लगा हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वह बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पूरा का पूरा सेमेस्टर क्लियर करें और इस अपॉर्चुनिटी को भाई अवसर दें। और अवसर बहुत अच्छा है बच्चों आपको, और आप तैयारी कर सकते हैं, और इसमें रोने गाने की बात नहीं बच्चों, क्योंकि आपके यह शिक्षक भर्ती तो आने तय हैं, एक बार तो जरूर आएंगे। और 2024 में आपको देखना ही है, लोकसभा का चुनाव है, तो इससे पहले पहले आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। अब कितना आएगा इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर सकते हम। और रहेगी बात, जितने भी शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं उनका भी तो आंकड़ा जुड़ेगा, तो ऐसे में आएगी शिक्षक भर्ती, ज़्यादा आएगी, बस आप लोग लगे रहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए आना तो तय है। नमस्कार।